अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खावर फोटो एडिटिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लाइट रूम एप्लीकेशन में आज हम सीखेंगे कि हम अपनी पिक्चर को जो वो कैसे एक प्रोफेशनल पिक्चर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगा कि आप अपने बैकग्राउंड की जो कलर है उसको कैसे ब्लैक टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर की क्वालिटी में कैसे जो ब्लैक टोन ऐड कर सकते हैं, फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हैं, गोरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हेयर बनाना सीखेंगे और HD क्वालिटी में अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब डिटेल आपको मैं स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा। आपने वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, और तभी आप इस तरह के फोटो एडिटिंग सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये हमारे सामने पिक्चर है जिसको हमने आज एडिट करना है। तो सबसे पहले हमने शेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो हम पिक्चर को शेयर कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो ये हमारी पिक्चर लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो ये फर्स्ट नंबर पर हमारी पिक्चर जो है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले हमने नीचे आ जाना है ऑटो वाले में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो पिक्चर की ऑटो एडजस्टमेंट है वो हम कर लिए एक क्लिक से। तो नेक्स्ट हम जो है वो कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कलर में आने का मिक्स कलर में आएंगे। यहाँ पे इसकी जो सैचुरेशन है उसको आपने यहाँ से बढ़ा देना है इस तरह से। नेक्स्ट हम जो कलर है उसकी जो लीनियस है उसको हमने इस तरह से बढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि हमारे फेस का जो कलर है वो वाइट और ब्लैक होता है, तो आपने अपने हिसाब से इसको जो है वो वाइट कर लेना है। नेक्स्ट हम येलो में आएंगे, तो इसके जो येलो है वो बिल्कुल हमने माइनस पे कर देनी है इस तरह से। नेक्स्ट हम ग्रीन में आ जाएंगे। ग्रीन में आने के बाद दोस्तों आपने इसकी सैचुरेशन बिल्कुल आपने कम कर देनी है। अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी सैचुरेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो ऊपर जो ह्यूज वाला ऑप्शन है तो आपने इसको माइनस पे ले जाना है। और आप देख सकते हैं कि कितने वो कमाल की उसने ट्यून बना दिया है, येलो ट्यून को उसने बना दिया है। तो आप इस तरह से ग्रीन भी कर सकते हैं इस तरह से, अपने हिसाब से आपने जितनी करनी है आपने उस हिसाब से इसको कर लेना है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम इस कलर को भी बिल्कुल माइनस कर देंगे और येलो को भी आपने इस तरह से माइनस कर देनी है। लीनियर्स को आपने कम कर देनी। तो हमने ब्लैक टोन में इसको कन्वर्ट करना है तो हमने ये ट्यून माइनस कर दिया है, क्योंकि इस तरह अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी पिक्चर डन हो चुकी है, आपने डन कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों आपने इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से विगनट को कम करना है। ये देखिए विगनट में इसको हमने कम कर दिया है। नेक्स्ट हम डिटेल में आएंगे। डिटेल में जैसे आएंगे नोज़ रेडिएशन को आपने यहाँ से हाफ करके डिटेल को फुल कर देना है। कलर नो रेडिएशन को भी हाफ करके डिटेल को फुल कर देने से क्या होगा कि हमारे जो फेस के क्वालिटी है वो बहुत ही प्रोफेशनली आप देख सकते हैं कि वाइट भी हो चुकी है और HD में भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर डन हो चुकी है। तो उसको आपने यहाँ से इसको ऊपर आ जाना है। यहाँ से हम पिक्चर को जो है वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वो पिक्चर के जो हेयर हैं वो हमने बनाने हैं। तो उसके लिए हम शेयर टू करेंगे और स्केचबुक एप्लीकेशन में अपनी पिक्चर को जो है वो ओपन कर लेते हैं। इसकी मदद से हम अपनी पिक्चर के हेयर जो हैं वो हम बनाएंगे। तो यहाँ से आपने पिक्चर को ओपन कर लिया है। पिक्चर को जैसे आप ओपन कर लेंगे तो उसको आपने इस तरह से जूम करना है। जूम जैसे करेंगे तो ये जो फ़र्क है फेस के ऊपर भी वो भी हमने रिमूव करना और अपने हेयर बनाने हैं। तो उसके लिए हम लाइब्रेरी में आएंगे जिसमें काफ़ी सारे आपको ब्रश देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपको एक नज़र आ रहा होगा स्मूथ वाला, इस पर आपने करनी है। यहाँ से ये सेटिंग आपने और से देख लेनी है, ये सेटिंग आपने कर लेनी है। यहाँ से हम करेंगे तो ये जो फ़र्क है ये आप इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी मदद से आप अपने फेस के ऊपर भी फेर के आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना उसने कमाल का जो है वो स्मूथिंग कर दी है फेस के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे जो फेस के ऊपर जो फ़र्क है वो इस तरह से आपने इसको ख़त्म करना है जूम करके। ये आप देख सकते हैं, आपने आराम से अच्छे से जो है वो कर लेना अगर आप इसका इस तरह का कोई फ़र्क आए तो। मैं आप जस्ट आपको जल्दी में बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ से इसको
बैक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमने हेयर बनाना है तो उसके लिए हम फिर से लाइब्रेरी में आएंगे। लाइब्रेरी में जैसे आएंगे तो इसमें एक ब्रश है, आपको मैं दिखाता हूँ, आर्टिस्ट वाला ये ब्रश है। यहाँ से फिर से हम सेटिंग में आएंगे तो ये सेटिंग आपने फिर से गौर से देख लेनी है। साइज़ को आपने यहाँ से बढ़ा देना है इस तरह से, लो को आपने यहाँ से कम कर देना है और बैक कर देंगे। यहाँ से हम पिक्चर को इस तरह से फेर लेंगे और यहाँ से इस तरह से आपने हेयर को बनाना स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कितने उसने कमाल के जो हेयर हैं वो हमारे ब्रश जो है वो बना रहा है। तो आपने इस तरह से अपने हेयर को बना लेना है। यहाँ से फिर से हम इस तरह कर लेंगे ताकि बिल्कुल जो है वो हमें रियल देखने को मिले। तो आप इनकी जो है वो लंबाई अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे जो हेयर है वो कितने उसने कमाल के जो है वो बना दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने हेयर को भी इस तरह से बना सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। तो यहाँ तक भी हमारी पिक्चर डन हो चुकी है। आपने अपने हेयर को आराम से जो है वो अपने बनाना है। जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, तरीका समझाया है कि आपने इस तरह से अपने फेस को और अपने हेयर को जो है वो आपने बनाना है। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर हो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को बहुत ही कमाल का एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर बहुत ही प्रोफेशनली। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पिक्चर के ऊपर जो ब्लैक टोन भी कन्वर्ट कर लिया है, फेस को वाइट कर लिया, स्मूथ कर लिया और हेयर बना लिया। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग बना सकते हैं प्रोफेशनली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर आए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप दोस्तों को फोटो एडिटिंग से रिलेटेड मिलती रहती हैं इस चैनल पर। तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ से आपने फंस पे आना और यहाँ से इसको सेव कर लेना है।